जी क्लास कनेक्टिंग थर्ड 40 मिनट्स सेशन, और मैं इनवाइट कर लूँ अपने स्टूडेंट्स को। क्लास हम यहाँ पर स्क्रीन शेयर करें जल्दी से, ताकि हम दोबारा से कंटिन्यू कर सकें जहाँ से अभी हमारा ये सिलसिला ब्रेक हुआ। जी क्लास, आप जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं हम बात शुरू करते हैं, और साथ साथ हमारे बाकी भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते रहेंगे। और हम बात कर रहे थे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। द एजम्पशन दैट द एंट्रेंट एंड इनकम्बेंट, इनकम्बेंट जो होता है वही मैं आपको बता रहा था कि जो एग्जिस्टिंग है, और एंट्रेंट जो अब एंटर होने जा रहा है मार्केट में एज अ कंपेटिटर। एंजॉय कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज क्लियरली नॉट एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन। हम ये बातें बहुत सी दफा कर तो रहे होते हैं कि हमारे पास ये सिचुएशन है और वैसी सिचुएशन है, और हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास हम थ्योरी ये पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सी दफा हमें इंफॉर्मेशन ही सही नहीं मिलती। ये सारी बातें बेस करती हैं इंफॉर्मेशन पर। अगर हमें इंफॉर्मेशन ही सही ना मिले, तो मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन लाकर दी जा रही है, अगर वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो आपका डिसीजन मेकिंग खुद ब खुद गलत हो जाएगी। हालांकि आप डिसीजन मेकिंग सही कर रहे होंगे कि ऐसी सिचुएशन में ये करना है और वैसी सिचुएशन में ये करना है, लेकिन आपको आपको अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल रही, तो आपका काम ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, एंजॉय कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली नॉट एप्लीकेबल इन सिचुएशन। कभी कभी हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं, और कभी हमारे पास वो तमाम इन्फॉर्मेशन एप्लीकेबल नहीं होती, हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ उस कंट्री के या उस रीजन के लॉज और रूल्स मुख्तलिफ हों, हम वहाँ पर वो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लिमिटेशन भी हमारे पास आ जाती हैं। दरमियान में मैं एक बात ज़रा बता दूँ, हमारे एक पार्टिसिपेंट मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल आप जब लिखते हैं मोहम्मद, आपने माइंड नहीं कीजिएगा, आपने ये मोहम्मद जो लिखा है ये बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। आप मोहम्मद पूरा वर्ड लिखा करें। ये अगर किसी वक्त अगर आप अपनी MOHD की कोई हिस्ट्री देखें उठाकर, कि जब ये सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ काबिज थे मुसलमानों और हिंदुओं पर, तो उन्होंने एक इसका अलग मीनिंग है, बहुत गलत मीनिंग है इसका। तो इसलिए आप कंप्लीट वर्ड मोहम्मद लिखा करें, कभी आप पढ़ लीजिएगा। तो आप उन्होंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उसको तालीम थी नहीं, और सब मुसलमान समझते थे कि हमें शायद ये शॉर्ट फॉर्म बता दी गई है और इसका मतलब भी वही है, लेकिन ये एक उन्होंने जानबूझ के गलत ऐसा काम किया था। तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, मोहम्मद इकबाल में आपसे बात कर, राइट? तो आप कंप्लीट नाम मोहम्मद लिखा था। ओके, तो ये हमारे पास एक और भी इंप्रिंट हो गए। इसके बाद लिखा क्लास, इट इज़ यूजुअली कॉस्टली फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड अदर पोटेंशियल एंट्रेंट्स टू फाइंड प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो आप एक कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप का भी पढ़ते हैं, उसमें तो वैसे आपको पता है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें की जा रही होती हैं कि आप बिजनेस को ऐसे करें, ऐसे करें, ये करेंगे तो आपको
जबरदस्त बिजनेस मिलेगा, ये करेंगे तो आप मार्केट में लीडर बन जाएंगे, ये करेंगे तो आपको बेतहाशा कस्टमर मिलना शुरू हो जाएंगे और आप एक दिन में करोड़पति हो जाएंगे। ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं और असल में बताया इसलिए जाता है कि अगर बहुत सारे वेरिएबल्स जो भी मार्केट में होते हैं अगर उनको बहुत बेहतर तरीके से हम देख लें और हमारी सोच हमारी समझ इतनी अच्छी हो कि हम उन बहुत सारे वेरिएबल्स जो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट कर सकते हैं हम उनको समझना शुरू कर लें तो हम बाकी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स आमतौर पर कोर्स को सिर्फ पास करने के लिए पढ़ते हैं, मार्क्स लेने के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते। और जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं वो कहते हैं कि हमने पास कर लिया, हमने ग्रेड अच्छा कर ले लिया क्योंकि हमें रटा लगाना बहुत अच्छा आता था, हमने पढ़ा और हमने वैसे वैसे जाके लिख दिया, नंबर बहुत अच्छे आ गए, हमारा ए ग्रेड आ गया, बी प्लस आ गया, बिजनेस में जाके मैं फ्लॉप हो गया यार, किस्मत ही खराब है मैं ऐसे हो गया। किस्मत भी पार्ट प्ले करती, बहुत से और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन बात ये भी होती है कि समझ के काम नहीं किया हुआ। जैसे आपको मैं भी मिसाल दे रहा था कि एक ठेले वाला, मैंने ठेले वाले की जानबूझ के आपको एग्जाम्पल इसलिए दी कि वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, कोई और बिजनेस में काम कर रहा होगा, उसने कुछ तो पढ़ा होगा, स्कूल तक पढ़ा होगा, मैट्रिक इंटरमीडिएट तक पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी तक नहीं भी गया होगा, लेकिन ठेले वाला तो बिल्कुल पढ़ा हुआ ही नहीं होता, उसको तो कुछ किसी को कोई बात पता ही नहीं है। लेकिन आपको मैं बात बताऊं कि एक ठेले वाला रोज के 1,000 से 1,500 या 2,000 रुपये तक कमाता है। अब आप सोचेंगे अगर 2,000 रुपये वो कमाता है, उसको छुट्टी भी नहीं करता, तो 30 डेज में वो 60,000 रुपये महीना कमाता है। आप सोचें कि आप कितनी एजुकेशन लेने के बाद 60,000 पर मंथ सैलरी कितने लोग अर्न कर सकें। ऐसा होता ही है, ये बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं जो हमें देखनी है कि हम उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कमाएं वाइट कॉलर जॉब करते हुए और अपनी नॉलेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। कभी इन बातों को ज़रा गौर से सोचिएगा कि ये होता क्या है और ये हकीकत है। कभी आप देखिएगा ये पूरी हकीकत आपको नजर आएगी कि होता क्या है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर बात ये हो रही थी कि ये बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास होते हैं। आपको पता है कि एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है? ये जो वर्ड लिखा है ना ENTRE, एंटरप्रेन्योर, तो इसको बहुत से दफा एंटरप्रेन्योर भी पढ़ा जाता है और बहुत से दफा इसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। अब जो एंटरप्रेन्योर कहते हैं वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर पढ़ना गलत है, और जो कहते हैं एंटरप्रेन्योर वो कहते हैं एंटरप्रेन्योर पढ़ना गलत है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप गूगल पर जाइएगा, लिखिएगा, और वहाँ पर आप अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन और यूके ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन दोनों को देखिएगा, दोनों में कैसे बोला जाता है, तो फिर आपको सही हकीकत मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो बाहर इसको हम इस वक्त एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो लोग होते हैं जो एक नया बिजनेस कहीं शुरू करने जा रहे हैं, और अगर उनको किसी जगह के बिजनेस की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है ही नहीं तो फिर वो कैसे काम कर सकेंगे। तो इसलिए किसी जगह की भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं आपको एक वर्ड यूज़ करके बता रहा था शुरू में, कंट्री मैनेजर, और ये एग्जांपल मैं आपको किसी न किसी वजह से पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ। आप सब लोग सेल कंपनीज यूज़ करते हैं और हर सेल कंपनी कहती है कि मेरे पास करोड़ों कस्टमर्स हैं, और आपको बताऊँ कि हर कंपनी का जो ये आपको सिग्नल रिसीव और ट्रांसमिट करने वाले टावर्स नज़र आते हैं ये लाखों में नहीं होते, ये एक एक टावर की जो कॉस्ट है वो करोड़ों में, इतना महंगा इक्विपमेंट इस पर लगा हुआ होता है। और पूरे पाकिस्तान में कितने कितने टावर्स लगे हुए होते होंगे आप सोचें, उस पर कितने इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। आपको पता है कि आपके सेल कंपनीज का जो लाइसेंस है जब वही करोड़ों में होता है, और जो इसका 3G और 4G का लाइसेंस पिछले सालों में 5-6-7-8 साल पहले जब दिए गए थे 3G और 4G के लाइसेंस, वो भी करोड़ों में थे, मतलब ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। अब आप सोचेंगे जो पाकिस्तान में आखिरी कंपनी एंटर हुई थी जोंग, और उससे पहले टेलीनॉर और वारिथ, दो कंपनीज एंटर हुई थी, ये अब इस एग्जांपल को अभी बाद में भी लेंगे। तो वो जो कंट्री मैनेजर था जोंग का, उस वक्त टीवी पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आया करते थे कि जोंग कंपनी, मतलब हमें से तो कोई जानता ही नहीं था पहले जोंग कंपनी को, कभी नाम ही नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने आगे ये बताना शुरू किया टीवी पर एडवर्टाइजमेंट्स के इसके इतने मिलियंस ऑफ कस्टमर्स है पूरी दुनिया में, ये ऑलरेडी 52 कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है, ये 52 का तो मुझे अभी तक भी याद है। तो वो कहते थे हम 52 कंट्रीज में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, और अब हम पाकिस्तान में एंटर होने के लिए आ रहे हैं, हमारा ये सेटअप है, ये नेटवर्क है, तारीफें बहुत ज़्यादा किया करते हैं। ठीक है, मैं इस वक्त ये कमेंट नहीं कर रहा कि वो अच्छी सर्विस है बुरी सर्विस है, मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहा, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो एंटर हुए। अब सोचें जो कंट्री मैनेजर
का डेजिग्नेशन उनकी पेरेंट कंपनी ने दिया होगा कि तुम पाकिस्तान में जाकर पूरा सेटअप क्रिएट करो, तो वो कोई चंद हजार, चंद लाख या चंद करोड़ की बातें तो नहीं थी, बहुत बड़े सेटअप होते हैं। तो बहुत बड़े सेटअप में डेफिनेटली रिस्क भी ज्यादा होता है, लेकिन बहुत बड़े सेटअप के लिए एक आम इंसान को तो नहीं डेफिनेटली कंट्री मैनेजर बना के भेजा गया होगा, उसको डेफिनेटली ये बताया गया होगा कि तुम जब जाओगे तो तुमको ये कुछ मिलेगा वहां जाकर, और तुम रिसर्च करो और वहां उस कंट्री की इंफॉर्मेशन लो और फिर जाकर उस पर काम शुरू करो, सेटअप क्रिएट करो। और अगर वो कोई कंपनी पहली दफा आगे काम शुरू कर रही हो तो सोचे उनकी, उसके लिए तो और मजीद मुश्किल हो जाएगा कि वो करोड़ों और अरबों रुपए का सेटअप कैसे जाकर पहली दफा लगा लेंगे। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कई दफा चीजें गलत पॉलिसीज और गलत नॉलेज की वजह से फ्लॉप भी हो जाती है, मतलब बिलियन डॉलर कंपनीज भी अक्सर फ्लॉप हो जाती हैं बहुत सी जगहों पर। ये जरूरी नहीं होता कि उनके पास हमेशा बहुत ही बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद है तो वो हमेशा ही तरक्की करते रहते, कभी कभी बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो जाते हैं। बहरहाल तो आपको बताना ही आता कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, और एक होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, नामुकम्मल इन्फॉर्मेशन से भी बहुत बड़े बड़े नुकसान आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, इसके बाद है रेपुटेशन इफेक्ट्स। कभी कभी जब हम अपने बिजनेस को लेकर चलते हैं या जो कंपेटिटर्स आ रहे हैं, ये दोनों की ही स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए जो उनकी रेपुटेशन को ख़राब ना करें। बहुत दफ़ा तो रेपुटेशन को ही ख़राब करने वाली बातें आ जाती हैं, जैसे आपको मैं आज चैप्टर 10 का रेफरेंस, गेम थ्योरी का चैप्टर था उसके बाद बता रहा था, इसमें लिखा हुआ है इंसेंटिव्स इन वन शॉट गेम्स आर डिफरेंट देन इन रिपीटेड गेम्स। ये मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर बहुत सी गेम्स ऐसी होती थी, हमने पढ़ा था कि वो वन शॉट गेम्स होती थी, मतलब एक दफ़ा डिसीजन ले लिया बस उस पर चलते चले जाएंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आज हम ये डिसीजन ले रहे हैं कल वो ले लेंगे फिर वो ले लेंगे बस नहीं चलते चले जाएंगे। इसी तरह से रिपीटेड गेम्स भी होती हैं जिसमें अपने कंपेटिटर्स को देखकर बार बार डिसीजन चेंज किए जाते हैं। अब ये मतलब नहीं कि वन शॉट सही चीज़ है या गलत चीज़ है, या रिपीटेड गेम सही चीज़ है या गलत चीज़ है, ये डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि कौन से डिसीजन लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए, एक दफ़ा वाले डिसीजन लेने चाहिए हैं या बार बार वाले लेने चाहिए। तो ये हर जगह चेंज होती है बात। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। तो यहाँ रेपुटेशन इफेक्ट की बात हो रही है। इंसेंटिव्स इन वन शॉट गेम आर डिफरेंट देन इन रिपीटेड गेम्स, इन गेम्स दैट आर इनडेफिनेटली रिपीटेड ट्रिगर स्ट्रेटेजिक लिंक्स द पास्ट बिहेवियर ऑफ प्लेयर्स टू फ्यूचर पे ऑफ्स। तो जो पास बिहेवियर होता है उसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, हम अच्छे की तरफ जाएंगे, मार्केट स्टैंडिंग हमारी अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। कई दफ़ा कुछ कंपनीज कहती हैं यार ये कंपनीज तो बार बार अपनी डिसीजन ही चेंज करती रहती है, कभी कहते हैं कि ये पॉलिसी होगी, कभी कहते हैं ये पॉलिसी होगी, कभी कहते हैं यार नहीं इस कंपनी की तो पॉलिसीज एक दफ़ा जब भी कह देते हैं तो ये पूरे पॉलिसीज इनकी चलती रहती हैं, ये बार बार चेंज नहीं करते। तो ये लोगों के माइंड में ये बातें आना शुरू हो जाती हैं, कस्टमर्स के माइंड में, और फिर ये इनको फिर हम कहते हैं पास्ट बिहेवियर ऑफ प्लेयर्स टू फ्यूचर पे ऑफ्स। तो जो पास्ट बिहेवियर होता है डिसीजन से रिलेटेड, वो उनके फ्यूचर से, फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंट्री सच रेपुटेशन अफेक्ट्स कैन प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द प्री एंट्री प्राइस चार्ज्ड इन अ मार्केट एंड पोस्ट एंट्री प्रॉफिट्स। तो इस वजह से बहुत सी चीज़ों पर फर्क आ जाता है, ठीक है। तो उनकी प्री एंट्री और पोस्ट प्रॉफिट्स दोनों बातें होती है ना, कि एंट्री होने से पहले जो प्राइस सेट कर रही हैं और जो बाद वाले प्रॉफिट्स हैं, दोनों कंपनीज के लिए, एग्जिस्टिंग के लिए भी और आने वाले के लिए, दोनों ही इस तरह से अपनी प्लानिंग करते हैं कि उनको इन बातों के बारे में समझ आ सके। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ये उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी समझ में आएगा। इसके बाद लिखा हुआ है परमिटिंग एंट्री टूडे इज लाइकली टू एनकरेज एंट्री इन फ्यूचर पीरियड्स बाई अदर पोटेंशियल एंट्रेंट्स। तो जो भी हमारे पास एक एंट्रेंट अगर आज आ रहा है, तो अगर उसकी एंट्री को एग्जिस्टिंग कंपनी ने नहीं रोका, अगर रोकने की काबिलियत है, अगर रोकने की कैपेबिलिटी है, इतनी पावर है कि वो उसको रोक सके, अगर उसने रोक दिया तो अगली कंपनीज भी डर जाएंगी यार ये तो ना जाओ, ये पहली कंपनी इतनी पावरफुल है कि ये इसी तरह की स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं कि हम तो लॉस में ही चले जाएंगे, हमें तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। और अगर
एक कंपनी जब एंटर हो गई तो फिर क्या होगा, फिर यही होता है कि बाकी कंपनीज भी कहती हैं यार यहाँ तो बड़ा प्रॉफिट है, एक कंपनी तो चली गई है, हम भी एक चले जाते हैं तो हमारा बिजनेस भी शुरू हो जाएगा, हम भी इस तरह से प्रॉफिट मेकिंग करना शुरू कर देंगे। और फिर देखा देखिए आपको पता है कि फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर मार्केट में एंटर होते चले जाते हैं, और फिर मार्केट में जो एक्चुअल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में एक कंपनी मौजूद थी वो उससे काम खराब हो चुका हो। अब हमारे पास है डायनेमिक कंसिडरेशंस। अभी यहाँ पे क्लास इसकी कुछ थ्योरी लिखी हुई है, कुछ इसके फॉर्मूला डेरिवेशंस हैं, हम फॉर्मूला डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहे कि इसमें डायनेमिक कितने डायनेमिक की कंसिडरेशंस हो रही होती हैं। तो आपको पता है ये सिंबल तो प्रॉफिट के लिए है ना, हमारे पास जो मोनोपोलिस्टिक प्रॉफिट है वो इस तरह से होगा, तो ये हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो ये 1 / 1 + i, i का मतलब होता है इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है। आपको बताऊं क्लास के, जब बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, मैं इस बात पे नहीं आ रहा कि इंटरेस्ट हलाल या हराम, उसके आपको पता है कि हलाल तरीके भी निकल आते हैं, बहुत सी इस्लामिक बैंकिंग भी की जा रही है, तो बहुत से लोग सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग की तरफ चले जाते हैं और बहुत से लोग कॉन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ चले जाते हैं। अब अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि हमारे पास जो मोनोपोलिस्टिक प्रॉफिट है, ये पाई का सिंबल आपको प्रॉफिट बता रहा है ना, तो बिजनेस ये देखता है कि मैं एक नए बिजनेस में पैसा लगाने जा रहा हूँ और मैं उसमें मेहनत भी करूंगा और मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा। अब मैं अगर ये पैसा उठाकर बैंक में रख दूं या किसी और कंपनी में रख दूं जहां से मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा, तो अगर मुझे वहां से इतना ही प्रॉफिट वहां से मिल जाए तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। तो बहुत से लोग इन बातों को भी देख रहे हो, ठीक है, तो इसलिए फिर ये बातें देखी जा रही होती कि इंटरेस्ट रेट क्या है। अब अगर आप यहाँ पर ये देखें, बस एक मिनट जरा वेट कीजिएगा प्लीज। बस एक मिनट और वेट कीजिएगा। जी क्लास हम वहीं से शुरू करते हैं। तो ये आपने मैथ्स में जो कुछ चैप्टर्स पढ़े थे ना, ये टॉपिक पढ़े होंगे, पुरानी बात है, हम मैथ्स पढ़ने नहीं जा रहे, लेकिन आपको सिर्फ ये एक रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ, कुछ को याद आ जाएगा कि जहाँ पर आपके पास कुछ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या एनुटीज की बातें हुआ करती थी, उसको कहते थे मैथमेटिक्स और फाइनेंस, या आपने फाइनेंस के किसी सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा। तो वहां पर हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में 1/1 + i, i मीन्स इंटरेस्ट, और यहाँ पर प्रॉफिट की बात की जा रही है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वही फॉर्मेट यहाँ पर है, फिर वही आपके पास टर्म यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर स्क्वेयर है, यहाँ पर टर्म की पावर 1 है, और आपको पता है कि मैथ्स में किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो उसको 1 कहते हैं, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर भी मौजूद है लेकिन उसकी पावर 0 है। 0 ईयर की बात हो रही है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 4th ईयर की बात आगे चलती चली जाएगी, तो इसको कंबाइनली कहा जा रहा है इस तरह से। तो ये आपके पास इसका एक कंबाइंड बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला एक ड्राइव हो रहा है, और हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉफिट की बात की जा रही है, जहाँ पर जो डिमांड है उसके रिस्पेक्ट प्रॉफिट की बात की जा रही है, या मोनोपोलिस्टिक प्रॉफिट की बात की जा रही है। इसके बाद फिर हमारे पास मतलब इनको आपने याद नहीं करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर ये बातें आ रही हैं। फिर हमारे पास वो जो लिमिट किया था हमने प्रॉफिट, उसके यहाँ पर प्रॉफिट की बातें आ रही हैं, लेकिन हमने आखिर में क्या पढ़ना है, ये चीज़ जो मैंने मार्क की भी है, लिमिटिंग प्राइसेस, लिमिट प्राइसिंग इज प्रॉफिटेबल व्हेन, अच्छा हमारी जो लिमिट प्राइस है ना, हम लिमिट प्राइस जब सेट करते हैं, जो कि आपने फिगर 13.2 में देखा था, फिगर
कि जब हमने लिमिट करना शुरू किया तो वहां पर हमें प्रॉफिट कब मिलेगा, जब हमारे पास पाई एल ग्रेटर देन होगा पाई एम डी, ये आपके पास मोनोपोलिस्टिक डिमांड का जो प्रॉफिट है अगर वो लेस है और हमारे पास लिमिट प्राइस का प्रॉफिट ज्यादा है वेन एवर, अब ये कब होगा, जब हमारे पास पाई एल माइनस पाई डी डिवाइड बाई आई ग्रेटर होगा पाई एम माइनस पाई एल से। तो ये हमारे पास आप समझ के प्रॉफिट जो ऊपर बातें बताई जा रही थी ना, जैसे आपको पाई एल यहाँ लिखा नजर आ रहा है, तो ये पाई एल माइनस पाई डी डिवाइड बाई आई, आई का मतलब इंटरेस्ट। तो ये इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया जिसको हमें सिर्फ फॉर्मूला को ही समझना है और बाकी ऊपर की डेरिवेशन को नहीं समझना। तो हमारे पास लिमिट प्राइसिंग इज प्रॉफिटेबल, ब्रैकेट में लिखा हुआ वेन एवर, ये शॉर्टली ये बता दिए, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो ये कम्प्लीट रेफर की जाती है और जो राइट हैंड साइड है वो कम्प्लीटली ये रेफर की जा रही है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड ऐसे कही जाती है। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है, क्योंकि हमें इस फॉर्मूला की जरूरत है क्योंकि हम इसमें वैल्यूज इनपुट करेंगे, हमें कैलकुलेशन से आंसर मिलेगा। अगर ये ग्रेटर होगा तो फिर आपके पास लिमिट प्राइसिंग जो है वो प्रॉफिटेबल है। अब इसमें आपको लेफ्ट राइट में क्या लिखा नजर आ रहा है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटिंग प्राइसिंग एंड द राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स द अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ लिमिट प्राइसिंग। तो हमारे पास अपफ्रंट कॉस्ट कितनी आएगी, हमारे पास लेफ्ट पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या नजर आ रही है, बस हम ये कंपेयर करते हैं। तो अगर हमारे पास ये लेफ्ट साइड अगर ज्यादा है तो फिर हम लिमिट प्राइस में प्रॉफिट की तरफ हैं। अब ये आपको अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि यहाँ पर ये पता नहीं कौन सी वैल्यूज होंगी। अब हम यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 13.1 को देखते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला, ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ये अब यहाँ पर समझ में आ जाए। अच्छा, इसको तो पढ़ेंगे अभी हम पूरा, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता दूँ कि ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो यहाँ तक कंटिन्यू हुई है। ये हमारे पास वही फॉर्मूला आपको लिखा नजर आ रहा है, अभी हम यहाँ पर इसमें ये क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है वो यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, फिर हम यहाँ थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये हुआ क्या है। ठीक है, तो ये पार्ट टू है क्वेश्चन का, एग्जाम्पल का, और ये आपके पास पार्ट वन है। ये देखिए पार्ट वन एंड पार्ट टू क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर इस डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 13.1 को पढ़ते हैं, तो अब आपको समझ में आएगा यहाँ पर क्या बात हो रही है। ठीक है, ऊपर का जो फॉर्मूला था हम यहाँ पर इसको किस तरह से किस सिचुएशन में यूज करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल पढ़े, बिकर एंटरप्राइजेस ऑपरेट्स अ मिड साइज्ड कंपनी, मतलब ये बहुत बड़ी कंपनी बहुत छोटी नहीं है, एक मिड साइज्ड कंपनी है, ऑपरेट्स अ मिड साइज्ड कंपनी दैट स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिक टाइप ऑफ मेमोरी चिप, इट इज करंटली द ओनली फर्म इन द मार्केट एंड इट अर्न्स $10 million पर ईयर by charging the monopoly price of $115 per chip, $115 per chip वो charge करते हैं। Baker is concerned that a new firm might soon attempt to clone its product. Clone का मतलब होता है imitation, वो जो मैं आपको कह रहा था ना, नकल बनाना या उसकी दो नंबर कॉपी प्रिपेयर कर लेना। तो उसको ये खबर मिली बेकर कंपनी को कि कोई एक नई कंपनी है जो कुछ एक इसकी क्लोन चिप बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो प्लान कर रहे हैं। इफ सक्सेसफुल दिस वुड रिड्यूस बेकर्स प्रॉफिट टू $4 million पर ईयर। तो बेकर सोचता है कि अगर वो मेरी चिप, मेमोरी चिप की कॉपी बनाने में कामयाब हो गए, जो कि ओरिजिनल नहीं होगी उसकी कॉपी होगी, तो लेकिन मेरा जो $10 million का प्रॉफिट होता है सालाना, उसमें मुझे $4 million का लॉस हो जाएगा। सक्सेसफुल विल रिड्यूस टू $4 million, तो ये $4 million का प्रॉफिट मेरे पास होगा सर। ठीक है, इतना रह जाएगा मेरे पास। एस्टिमेट्स इंडिकेट दैट इफ बेकर इंक्रीजेस इट्स आउटपुट टू 280,000 यूनिट्स विच वुड लोअर इट्स प्राइस टू $100 पर चिप। वो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात होती थी ना, पहले हम डिस्कस करते थे, तो कहता है कि अगर मैं अपनी प्रोडक्शन को और बढ़ा दूं, मेरे पास कॉस्ट तो कम हो नहीं रही, मैं कुछ और किसी तरह से अपनी प्राइस को कम कर नहीं पा रहा हूं, और मार्केट में एक कंपेटिटर बैठा हुआ है जो अभी मेरी प्रोडक्ट की नकल बनाने वाला है और मार्केट में लेकर आ जाएगा, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि कॉस्ट किसी तरह से कम नहीं हो रही, मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दूं जिसकी वजह से मुझे $100
की प्राइस में लेके आ जाऊँ, मैं 115 पर मैं इसको $15 कम कर देता हूँ। इसलिए वो कम कर रहे हैं कि अब मेरी प्रोडक्शन बढ़ भी जाए और मैं जहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर सेल प्रोडक्शन बढ़ाने से तमाम मेरी प्रोडक्शन सेल ना हो, तो फिर मैं किसी और मार्केट में जाकर भी सेल करूँ और अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करूँ। लेकिन 115 से $100 पर प्राइस लाने का फ़ायदा ये होगा कि जो डुप्लीकेट बनाना चाह रहा है वो देख रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो उसको प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि फिर बहुत से लोग ये कहेंगे यार हो सकता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो 115 के बजाय वो $80 की चिप मिल रही है या $90 की मिल रही है। तो लोग कहेंगे यार कि $90 की जो डुप्लीकेट मिल रही है और 115 नहीं, अब तो $100 की ओरिजिनल चिप मिल रही, तो मैं दो नंबर पे क्यों जाऊं, मैं $20 खर्च करूं, मैं ओरिजिनल पे चला जाऊं। तो ये अपनी सेल्स फिर बढ़ा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रेटजीज अब बनना शुरू हो गई। इसके बाद लिखा है द एंट्रेंट विल स्टे आउट ऑफ द मार्केट एंड बेकर विल अर्न प्रॉफिट्स ऑफ $8 million पर ईयर फॉर द इनडेफिनेट फ्यूचर। वो एक डेफिनेट फ्यूचर नहीं, इनडेफिनेट मतलब आइंदा जब तक कोई और मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं आता है, कोई फेक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आती, तो जब तक वो अपने प्रॉफिट को $8 पर ईयर से चलाता रहेगा। मतलब उसने ये देखा कि मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं उस कंपटीटर को आने दूं। वैसे आपने भी पढ़ा क्या था कि जब एक कंपटीटर आता है तो उसको देखकर फिर और भी आना शुरू हो जाता है, फिर रुकते नहीं हैं। फिर हम सोचते हैं कि चलो अभी तो एक ही आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मुझे अपनी स्ट्रेटजीज को क्या चेंज करना। लेकिन वो एक की जगह पर फिर आपको पता है कि फिर वो लाइन लग जाती है और फिर वो आते ही चले जाते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इस स्टेटमेंट की मेन सिनेरियो हमारे पास था, एक सिचुएशन। अब यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन किए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बेकर डू टू क्रेडिबली डेटर एंट्री बाय लिमिट प्राइसिंग। क्रेडिबली मतलब, और डेटर का मतलब होता है रोकना, उस एंट्री को किस तरह से मुनासिब तरीके से वो रोक सकता है अपनी प्राइसिस को लिमिट करने से। तो हमारे पास, हम पहले को क्वेश्चन को पढ़ के पहला आंसर पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम दोनों क्वेश्चन पढ़ लें एक साथ। तो पार्ट वन हमने पढ़ा, तो पार्ट वन में लिखा हुआ है बेकर मस्ट टाई इट्स हैंड्स। टाई का मतलब हाथ बांध लो, हाथों को रोक लो। टाई इट्स हैंड्स टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम कटिंग अप टू आउटपुट बिलो 28,000 to 80,000 units if entry occurs and this commitment must be observable to potential entrants. तो यहाँ पर इसको अपने हाथों को बिल्कुल टाई कर लेना चाहिए है, बांध मतलब मजबूत कर लेना चाहिए है। टाई का मतलब ना बांध लेना, मजबूत कर लेना, मजबूत कर लेना चाहिए उसको, अपनी इस एंट्री से कम करना ही नहीं चाहिए और अपनी वो कमिटमेंट को पूरा करे। और must be observable to potential entrants before they make their decision to enter or not enter. तो जो potential entrant, यहाँ लिखा है entrants अगर हैं तो उनको आने में मुश्किल नजर आए, उनको आना आसान नजर ना आए कि यार हम एक बड़ी price को सोच के तो जा रहे हैं तो नजर ही ना आए। आपको छोटी सी बात बताऊं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपके बहुत सारी कार्स बाहर से आ रही होती हैं, वो कार्स बाहर से इसलिए आना शुरू हुई, इंपोर्ट होना शुरू हुई, रिकंडीशन कार्स, 3 साल पुरानी गाड़ियां जापान से और बहुत सी जगह से गवर्नमेंट ने आना इसलिए अलाउ किया कि उन्होंने, लोगों ने कहा था कि भाई हमारे पास या पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं और हमें वो क्वालिटी नहीं मिल रही होती, तो हम बाहर से मंगवाते हैं ताकि लोग उन गाड़ियों को खरीदें और उस पर उनको इस्तेमाल कर सकें। तो गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्री को भी बंद नहीं करना था, इसलिए वो ऐसी दरमियान की पॉलिसी निकाली कि वो वहाँ से, उन्होंने कहा कि 3 साल पुरानी गाड़ियाँ ले आओ और फिर हम उस पर इस तरह से टैक्स लगा देंगे और वगैरह वगैरह। तो ये उन्होंने इस तरह से देखा। तो अब अगर पाकिस्तानी कंपनीज, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्राइसेस को फॉर एग्जाम्पल 20% कम कर देते या 10% कम कर देते या 5% कम कर देते, अगर कुछ ऐसा काम करते वो, या अगले नए साल में वो प्राइसेस बढ़ाने का ख्याल था तो बढ़ाते भी ना, कम ना करते तो बढ़ाते नहीं कम से कम। उसकी वजह से जो बिजनेसमैन कह रहे थे कि यार हम, चलो मेरे पास इतने पैसे बाकी हैं यार, 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं,
बिजनेस में, तो मैं 10 गाड़ियाँ मंगवा लेता हूँ, मैं 10 गाड़ियाँ इंपोर्ट करूँगा, मुझे तो इतना इतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने कहा, देखा यार कि प्राइसेस तो बढ़ ही रही हैं, मतलब इन अदर वर्ड्स लोकल कंपनी से अपनी प्राइसेस कम कर रही हैं, तो वो क्या सोचेंगे यार, मुझे जो मैं अपना प्रॉफिट 20 लाख देख रहा था साल बाद मुझे मिल जाएगा, वो 20 लाख नहीं, ये तो 10 लाख मुझे मिलेगा। 1 करोड़ लगा कर मुझे अगर 10 लाख मिल रही तो कोई मुनासिब बात नहीं, इससे बेहतर तो मैं कोई और बिजनेस में काम कर लूँ। ये वो सोच है जिसको हमें यहाँ पर रोकना है कि वो लोग आने से रुकें, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में ना आ सकें। अब आप ये कहें कि आना तो अच्छी बात है, तो जनरल पब्लिक के रिस्पेक्ट तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस के परस्पेक्टिव में, कि वो कहता है कि मेरे पास जो मार्केट में कॉम्पिटिशन है, मेरी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है, मैं तो मार्केट में किसी को आने देना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो हम इस परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, हर सिचुएशन अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की बात की जा रही है, आपको समझ में आ गया कि किस तरह से बात होगी। बाय द वे, हमारे पास ये सेशन अब खत्म होने के नजदीक पहुँच रहा है, मतलब ये हमारे पास 2 घंटे अब हो जाएंगे मुकम्मल होने वाले, तो अभी उसमें हमारे पास 10 मिनट रह गए, तो हमारे पास अभी ये क्लास एंड होगी, ये सेशन एंड हो जाएगा तकरीबन 10 मिनट के बाद, 3:00 मेरे ख्याल से 3-4 मिनट तक हम जब तक इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, इसका पार्ट टू है, डज इट मेक सेंस फॉर बेकर टू लिमिट प्राइस इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%। अब हमें एक नई बात पता चलना शुरू हो गई कि वो देखता है कि यार मार्केट में 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, वो जो आपको मैं बता रहा था कि इंटरेस्ट पे लोग बैंक में रख देते हैं, जैसे इस्लामिक बैंकिंग है वो 10% दे रहा है, और नॉन इस्लामिक बैंकिंग जो है वो 15% इंटरेस्ट रेट दे रही है। एक इंसान कहता है कि मैं इस्लामिक तरीके से बैंक से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ और मुझे मुनाफा होता चला जाएगा 10% के नज़दीक अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि फिक्स नहीं होता ना फिर इस्लामिक बैंक में, तो कहते हैं मुझे मिलता चला जाता है और मुझे तकरीबन 10% यहाँ पे मिल रहा है, मैं 1 करोड़ लगाकर 10 लाख रुपये कमा रहा हूँ और मुझे बैंक का जो इंटरेस्ट है वो इतना मिल रहा है, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, मैं रिस्क भी लूँ, कभी और कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मेरे पास जो 10 लाख आ रहे हैं शायद वो भी ना आए, तो वो इन चीज़ों से अवॉइड करता है। तो बेकर जो है इस वक्त कहता है कि डज इट मेक सेंस फॉर बेकर टू लिमिट प्राइस, वो क्या उसको प्राइस लिमिट करनी चाहिए जबकि इस पर 10% इंटरेस्ट रेट है, और ये ऊपर के आपके पास ये बातें लिखी हुई, कुछ एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हम नीचे देख सकें कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ये 10 मिलियन की बात हो रही है, इफ द करंट इट इज करंटली द ओनली फर्म इन द मार्केट एंड इट अर्न्स 10 मिलियन पर ईयर। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ था बेकर्स प्रॉफिट इफ सक्सेसफुल, मतलब वो जो एंट्रेंट था अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इफ सक्सेसफुल दिस वुड रिड्यूस बेकर्स प्रॉफिट टू $4 मिलियन, 4 मिलियन तक वो आ जाएगा। ठीक है, अगर वो अपनी प्राइस सेट कर लेता तो वो 8 मिलियन पे चला जाएगा। तो ये 3 तरह के हमारे पास फिगर्स ये नजर आ रही हैं, उसकी प्राइस थी $115 और यहाँ पर थी उसकी $100, और उसकी जो आउटपुट थी वो 280,000 यूनिट्स पे अगर वो चला जाए तो वो $100 पर चिप पर आ जाता है। चले अब जाकर वहां पे देखते हैं कि हमारे पास क्या नजर आता है, यहाँ पर जो फॉर्मूला उसके अंदर बैलेंस पुट करते हैं, तो वो कहता है कि मेरे पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेरे पास लिमिट में करता हूँ तो मेरे पास 8 मिलियन पे आ जाता है, शुरू में तो 10 मिलियन कमा रहा था ना, वो कहता है कि मेरे पास अच्छा वो यहाँ लिखा हुआ है, हम यहाँ पर ये जो पाई एम है मोनोपोलिस्टिक, जब वो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन थी तो वो 10 मिलियन प्रॉफिट कमा रहा था और जो लिमिट कर लेगा तब वो 8 मिलियन प्रॉफिट कमाएगा, और यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट किया तो लिमिट करने पर उसका ये है, और जब कंपेटिटर आ जाएगा डिमांड में कमी आ जाएगी तो वो सिर्फ $4 मिलियन पर ईयर पर आ जाएगा, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, और जो इंटरेस्ट रेट था वो 10%, आपको पता है 10% को हम लिख सकते हैं 0.10, तो 0.1 लिखना काफ़ी होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं इसी इंटरप्रिटेशन, सिंस दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स लिमिट प्राइसिंग इज प्रॉफिटेबल, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लिमिट प्राइसिंग द लेफ्ट हैंड साइड इज $40 मिलियन। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 मिलियन, वाइल द अपफ्रंट कॉस्ट द राइट हैंड साइड आर ओनली $2 मिलियन। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये 2 मिलियन नजर आ रही है आपके पास, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 मिलियन आपको नजर आना शुरू हो जाएगा ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद। तो वो कह रहा है कि यार ये तो हमें फायदे की बात नजर आ रही है। ठीक है, तो
सिंस दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स, अभी इनइक्वालिटी थी क्या, हम ऊपर जाते हैं, ये इनइक्वालिटी क्लास हमारे पास थी, या लिखा हुआ था लिमिट प्राइसिंग इज प्रॉफिटेबल, मतलब उसको अपनी प्राइस को लिमिट करना प्रॉफिटेबल है, बजाय कि वो अपनी प्राइस $115 को पर ही स्टिक हो जाए, उसको चाहिए कि अपनी प्राइस को थोड़ा कम कर ले ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू हो जाए इन द लॉन्ग टर्म। तो ये कौन सी हो गई, ये उसकी प्री लिमिट प्राइस हो गई और पोस्ट प्रॉफिट्स की तरफ वो बात कैलकुलेशन भी हो गई। तो ये हमने यहाँ पर ये कैलकुलेशन करना सीखी कि हम किस तरह से अपनी प्राइसेस को सेट कर सकते हैं। वो जो आपके पास ऊपर ग्राफ्स थे जिसमें आपको दिखाया गया था कि किस तरह से वो 13.2 कि किस तरह से हम अपनी प्राइस को लिमिट कर सकते हैं अपने कंपेटिटर या जो न्यू एंट्रेंट है उसकी डिमांड, एक्सपेक्टेड डिमांड को देखते हुए। अब देख रहे हैं आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस एंड हो रहा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारी बात यहाँ पर हो रही है। तो हमने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 13.1 तक पढ़ लिया और इसके बाद फिर हमारे पास प्रीडेटरी प्राइसिंग ऑफ टू लेसन कंपटीशन। तो हमारे पास प्रीडेटरी प्राइसेस होती हैं जिससे हम अपने कंपटीशन को लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये जो टॉपिक है ये भी फर्दर आगे भी जा रहा है, तो हम देखेंगे या तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है, ये तो हमारे पास चीज़ें जो हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो क्लास हमारे पास इस वक्त तकरीबन 4 मिनट रह गए, तो हम यहाँ पर जो ये टॉपिक देख रहे थे ये हमने यहाँ पर इसको देख लिया। तो ये क्लास आपको बताऊं कि ये रियल वर्ल्ड में आपके पास अगर ये आपको कैलकुलेशंस करनी समझ में आ जाए तो आप इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और आप देखते हैं कि किस तरह से आपको अपनी प्राइसेस सेट करनी है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि जब हम ऊपर पढ़ रहे थे ये हमारे पास मोनोपोली प्राइस थी और हमारे पास ये लिमिट प्राइसिंग की प्राइस थी। और ये कहाँ से शुरू हुई थी, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे कंपेटिटर जो आ जाएगा मार्केट में उसकी ये ब्लू कलर की लाइन एक्सपेक्टेड डिमांड की लाइन नजर आ रही है। अब ये डिमांड की जो लाइन है ये हमने सोच के बनाई है, अभी वो मार्केट में आया नहीं है। हमारा ख्याल है कि अच्छा आप सोचें कि ये पता कैसे लगा कि मार्केट में डिमांड इतनी हो जाएगी, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि अगर उसने $90 या $85 मार्केट में प्राइस रखी, जो कि हम एग्जाम्पल पढ़कर आ रहे हैं, और हम उसको 100 पर लेकर आ जाए तो लोगों की बाइंग पावर कितनी है। क्या वो ऐसा तो नहीं कि जो कंपेटिटर है वो $70 पर आ जाएगा, $75 पर आ जाएगा, $80 पर आ जाएगा, तो कितने पर आ सकते हैं? पहले तो हमारी हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारे अंदाजे क्या होंगे, फिर हमारे लोगों की बाइंग पावर कितनी है, तो जो मार्केट है उसमें उस चिप को सेल करने की प्राइस की अफोर्डेबिलिटी कितनी है, लोगों की बाइंग पावर क्या है, मतलब इकोनॉमिकल सिचुएशन जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, लोग कितने स्टेबल हैं, मार्केट में सस्ताई या महंगाई कितनी है। तो ये इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर जिसके बाद अगर हम इस जगह पे पहुंचते हैं और फिर हम डिसीजन लेने के कैपेबल होते हैं, अदरवाइज हम डिसीजन लेने के कैपेबल नहीं हो सकते। हम जो ये बात कर रहे हैं ना कि PL ऐसा होगा तो ऐसे हो जाएगा, तो हम बहुत सी बातें तो करते चले जा रहे हैं बहुत आसानी से, कहीं यार ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ये होगा वो हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, लेकिन ये क्लास आपके पास जो ये स्टूडेंट हैं आसिफ अली, तो ये आसिफ अली डेफिनेटली एंटर नहीं हो सकते, मुझे बहुत देर से नज़र आ रहे हैं आसिफ अली, लेकिन मैं सॉरी एहसन अली, मैं इनको एंटर, ये एहसन अली हैं यहाँ पर, वहाँ पर इनका नाम आसिफ अली है, ये पता नहीं फेक हैं, कौन है ये तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता ही नहीं रहे, तो ये नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एंटर नहीं हो सकते ये, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये एंटर नहीं हो सकते जब तक ये अपने कंप्लीट नेम और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले नहीं करेंगे। और ये पहले भी बताया जा चुका है क्लास आपको, और मैंने लिख के भी बता दिया था आज कि कौन स्टूडेंट्स हैं जो एंटर हो सकते हैं या कौन स्टूडेंट्स जो एंटर नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो वैसे हमारे पास क्लास का टाइम बस एंड हो ही रहा है, तो हम बस
ये एक मिनट रह गया, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को अब एंड की तरफ लेकर जा रहे हैं और हमारी टाइम और लेक्चर भी जितना हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अभी हम थोड़ा सा और पढ़ना शुरू करेंगे। वो आपने देखा था अभी टॉपिक शुरू हो रहा था, तो अगर हम उसकी तरफ मूव करेंगे तो फिर वो टॉपिक अभी हम कंप्लीट तो कर नहीं पाएंगे। मैं आपको बता दूँ कि हमारा टॉपिक जो भी पढ़ा था हमने, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है, तो हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया और ये हमारे पास थी एग्जाम्पल। हमने ये हमारा हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया, तो ये हमारी लास्ट एग्जाम्पल यहाँ तक हो चुकी। ओके क्लास, तो